नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके अपनी सेल, मेरे चैनल सेल लवी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि अभी आप वेडिंग सीजन बहुत ज़्यादा ज़ोरदार से चलने वाला है। तो मैंने ब्राइडल लिस्ट तो बना दी थी, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था कि आप ग्रूम के लिए भी बनाइए। तो चलिए मैं उसी के लिए आज वीडियो रेडी करती हूँ, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ब्राइडल के लिए, ब्राइड के लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन ग्रूम के लिए जल्दी से नहीं मिलते। तो मैंने बहुत सारी मेहनत की है, जिसके लिए मैंने वेडिंग लिस्ट तैयार किया है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ देखिए मेरी लिस्ट को, और बहुत ही आसान से आप ड्रेस चॉइस कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले हल्दी प्रोग्राम ही होता है हमारे यहाँ, तो हल्दी प्रोग्राम लिस्ट क्या पहन सकते हैं। येलो कलर ड्रेस पहन सकते हैं, एज योर चॉइस। आप कुर्ता पहन सकते हैं, आप शर्ट पहन सकते हैं, आप टी शर्ट, इंडो वेस्टर्न, बाकी एज योर चॉइस। आप जो अपने हिसाब से येलो कलर की ड्रेस चूज कर सकते हैं आपने ब्राइड को देखते हुए। बाकी उसके साथ में रखना है आपको सेकेंड पॉइंट पे हल्दी ट्रे। आपके पास एक डेकोरेटिव सुंदर सी हल्दी ट्रे होनी चाहिए, जिसमें कि हल्दी या ओपटन आप जो भी लगाते हैं उसको अच्छे से रखना चाहिए। उसके लिए दो बाउल होना चाहिए, यानी दो छोटी कटोरी होना चाहिए, जिसमें से डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। और दो गेंदा के फ्लावर होना चाहिए, जो छोटे छोटे, जिससे कि आपका हल्दी लगेगा। और फिर इसके बाद रोज लीफ फॉर डेकोरेशन, और आप रोज लीफ रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। बस ये थी छोटी सी लिस्ट हल्दी प्रोग्राम के लिए, जो कि बहुत ही आसान आपके लिए है। तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, तो आपकी सेकेंड पॉइंट पे है मेहंदी प्रोग्राम लिस्ट। मेहंदी प्रोग्राम में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। मेहंदी कलर ड्रेस एज योर चॉइस, आप मेहंदी कलर की ड्रेस ले सकते हैं। वही आपको टी शर्ट पहनना है, कुर्ता पहनना है, इंडो वेस्टर्न पहनना है, जो भी पहनना हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी आपको मेहंदी कोन रखनी है 12, यानी कि डेकोरेट के लिए। और आपको बिग बाउल, उसमें से जो ग्रीन लीफ होती है उसमें बाउल में सजाने के लिए, मेहंदी लीफ फॉर डेकोरेशन, जो कि बाउल में आप मेहंदी लीफ रख सकते हैं और आसपास से आप कोन को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड वन बाउल फ्लावर, और एक अच्छा सा बड़ी कटोरी में आपके पास फ्लावर होना चाहिए, और एक ट्रे होना चाहिए, जो कि ट्रे के साथ में ये सब डेकोरेट कर सके। तो ये रहा बहुत ही आसान तरीका। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड पे आता है आपका संगीत प्रोग्राम लिस्ट। संगीत प्रोग्राम लिस्ट में आप ड्रेस अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। और अगर यदि आपका संगीत ग्रूम के साथ में हो रहा है और ब्राइडल दोनों कपल के साथ में हो रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो डांस प्रिपेयर किया होगा, कपल डांस कर सकते हैं, ड्रेस अपने हिसाब से पहन सकते हैं, दोनों मैचिंग का पहन सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट पहन सकते हैं, एंड सिंगिंग कर सकते हैं, भंगड़ा कर सकते हैं, डीजे डांस कर सकते हैं, वो तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो ये रही आसान सी लिस्ट। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है निकासी। निकासी का मतलब होता है जब दूल्हा अपने घर से निकलता है बारात ले जाने के लिए, उस टाइम आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो कोट पैंट या शेरवानी, तो शेरवानी आई थिंक सब लोग जयमाल में ही पहनते हैं, तो कोट पैंट ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बाकी आप चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। कोट पैंट के साथ में आपको शर्ट एंड टाई, जूते एंड कोट ब्रॉस लगेगा जो, और पगड़ी, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, और बहुत ही आसान आपके लिए हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए अब आते हैं जिस घड़ी का हमें बहुत दिन से इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ। तो चलिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा था। ये जयमाला लिस्ट, जयमाला लिस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये बहुत ही आपकी सुख घड़ी है और बहुत ही वेट करने के बाद आई है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आउटफिट्स में आपको क्या क्या चाहिए, एज योर चॉइस, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। आपको शेरवानी पहननी है, एंडो वेस्टर्न पहनना है, या आप बहुत से डिफरेंट टाइप ड्रेसेस हैं आप ले सकते हैं। एंड उसके साथ में लॉन्ग कुंदन माला, एक आपको एक लंबी कुंदन की माला, आप ग्रीन पर्ल माला ले सकते हैं, जिसको ग्रूम पर्ल माला बोलते हैं, वो ले सकते हैं। एंड कड़ा दो ले सकते हैं अपने हाथों में पहनने के लिए, जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लुक देगा। एंड आपको ब्यूटोनियर्स दे
जो फ्लावर्स ब्रॉच होते हैं वो लगा सकते हैं। एंड शर्ट आप तलवार ले सकते हैं, एंड शेरवानी ब्रोच आप ब्रोच अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। एंड रिस्ट वॉच आपके पास होनी चाहिए, दो दुपट्टा होने चाहिए जो कि बहुत सुंदर सा लुक बनाते हैं जो आपको तैयार करेंगे। एंड जूती होनी चाहिए उसके साथ में, शेरवानी के साथ में, और पगड़ी होनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जयमाला जोड़ी, वो जरूर लेके जानी चाहिए। यदि लड़की वाले ला रहे तो ठीक है, वरना ये जरूरी है, इसके बिना तो फिर जयमाला लिस्ट ही बेकार है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जयमाला हो चुका, अब आते हैं सुबह की रात में, रात का टाइम हो गया, अब सुबह आते हैं फेरे लिस्ट। बाकी अपने कल्चर के हिसाब से मैरिज होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके यहाँ ऐसा होता है, जिसके जिस हिसाब से कल्चर हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फेरे लिस्ट में आपको, यदि आपके यहाँ येलो चलता है, येलो साड़ी में कुछ फेरे होते हैं, तो ग्रूम के लिए येलो कुर्ता सेट होना चाहिए जो कि बहुत ही बेस्ट लगता है कपल में। एंड पगड़ी होनी चाहिए उसके साथ में, जूती होनी चाहिए, एंड फ्लावर माला 6 फेरे तक आप येलो ड्रेस में पहन सकते हैं। बाकी आपका जब 7th फेरा होता है उसमें से हमारे कल्चर में रेड साड़ी चलती है हिंदू में, बाकी अपने हिसाब से जिसके यहाँ ग्रीन चलता हो ग्रीन पहन सकते हैं, तो वो रेड कुर्ता सेट पहन सकते हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेस यानी कि, और जो भी है। इसके बाद में आपका आता है कलेवा, कुंवर कलेवा बोलते हैं, वो भी मैं इसे में छोटा सा ऐड कर दिया है। कलेवा में आप अपने हिसाब से ड्रेस, इंडो वेस्टर्न, कोट पैंट जो पहनना है पहन सकते हैं, और विदाई में जो कलेवा में उसी से आपकी विदाई हो जाएगी। तो चलिए आपका फेरे वाला लिस्ट खत्म हो गया। और नेक्स्ट डे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप क्या पहने, तो शादी से जो मतलब कि घर में आते हैं वो आपका दूसरा दिन होता है, तो आप अपने हिसाब से आप ब्राइड से मिलके चूज कर सकते हैं, कंफर्मेशन कर सकते हैं कि क्या क्या पहनना है दोनों मिलके एक कलर की। तो चलिए आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये अपने लिए भी बनाया था, तो मैंने अपने हबी के लिए बनाया था पीच कलर के शर्ट एंड ऑफ वाइट पैंट, तो क्योंकि मैंने पीच कलर की साड़ी पहनी थी तो इस वजह से, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वेडिंग लिस्ट फॉर ग्रूम पूरी तैयार कर दी है और बता दी है, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप अपने ड्रेस को चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही आपकी वेडिंग लिस्ट फॉर ग्रूम, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रिपेयर किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये रहा आपके लिए लिस्ट जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ओके एंड बाय बाय।